हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस एजुकेशन हब में स्वागत है। दोस्तों, मैं मोहम्मद असीम। आज हम आपको बताएंगे कुछ क्वेश्चंस करना, कैसे क्वेश्चंस। ओबी की दो नंबर्स हमें दिए हैं, उन दो नंबर्स में से हमें एससीएफ या एलसीएम दे रखा है और उसके बाद मुझे अगला निकालना है। यानी अगर एससीएफ दिया तो एलसीएम निकालना है, एलसीएम दिया तो एससीएफ निकालना है। तो चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आप लोग बस वीडियो में लास्ट तक बने रहे और एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते रहे। बस ध्यान रखिएगा कि कहीं और मत चले जाइएगा, वरना गोल हो जाएगा फटाफट सब। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन मैंने लिख रखा है गिवन दैट एससीएफ, यानी एससीएफ यानी मासा दे रखा है। किसका नंबर है 306 और 657 है 657। दो संख्याएं जिनका मासा यानी एससीएफ 99 दिया है और इनका एलसीएम यानी लासा पता करना है। देख, तो लासा मैंने फॉर्मूला इससे पहले वाले ही क्लास में कराया है, तो वहां से मैंने फॉर्मूला कराया था कि HCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब आप यहां से जो जो चीजें गिवन है फटाफट रखिए। HCF गिवन है कितना 9, चलिए HCF 9 रख दिया, LCM फाइंड आउट करना है, ऐसे ही रहने दिया। फर्स्ट नंबर हमारे पास है कितना है 306, यानी 306। सेकंड नंबर कितना है हमारे पास 657 यानी 657। अब आप ध्यान से देखिए और नहीं पढ़ा होगा तो आज जान भी लीजिए कि अगर दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लिकेशन यानी गुणे में हैं और वो अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई से क्या हो जाएंगे, डिवाइड। और अगर डिवाइड में है तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, अगर एडिशन में है तो सब्ट्रैक्शन में हो जाएंगे और सब्ट्रैक्शन में है तो एडिशन में हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे आके देखिए कौन सा फंडा अप्लाई हो रहा है। तो आप देखेंगे कि ये दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई है, यानी दो नंबर्स का मतलब है कि एक एलसीएम और एचसीएफ है। एचसीएफ तो गिवन है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। अब एलसीएम का पार्ट जो 9 है इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो एलसीएम इक्वल टू क्या आ गया 306 इंटू 657 और डिवाइडेड बाई 9। अब आप क्या करेंगे कि या तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बाद में इसको डिवाइड कर लीजिए, या फिर आप क्या करिए कि पहले आप इनको क्या कर दीजिए किसी एक में डिवीजन, यानी अगर 9 से आप चाहिए तो 306 में डिवाइड कर दीजिए या फिर 657 किसी एक में आप डिवाइड कर दीजिए। अगर 3 से वो 9 से 306 में करते हैं तो 9 थ्री 27 तीन बार में गया और 3 बच गया, 3 टाइम बच भी रहा तो 3 जो है तो 36 बना। अब 9 4 जा 36 और अगर इधर आते हैं 9 7 जा 63 और उसके बाद 63 के बाद कितना बच रहा है 2 और 9 3 जा 27। अब या तो इधर कर लो या तो इधर, चलिए किसी एक में कर लेते हैं। तो 9 7 जा 63, 63 में 2 यानी 62, अब 9 3 जा 27 क्या आ गया है 306 इंटू 73। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करने में जिसको इजीली आता है कि डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेगा वो तो कर लेगा, जिसको नहीं आता आप देखो सबसे आसान सा तरीका बता रहे हैं, आप क्या करो 306 ऐसे रहने दो, क्यों, क्योंकि इसका इसके साथ पढ़ना इजी हो जाएगा। अभी कैसे आप ऐसे करो प्लस 73 को कर दो 70 प्लस 3, अब आप देखना फटाफट आ जाएगा 7 6 42 0 ये रहा और 7 3 21। अब इधर जब करेंगे इसके साथ तो प्लस 3 6 18 और 3 3 9, अब फटाफट ऐड कर लेते हैं तो कितना आ रहा आप खुद ही देखिए 8 2 और 1 3, 9 और 4 13 13 का 1 बच जाएगा, 3 इधर रहेगा, 1 1 2 और 2 कितना आ गया 2 2 3 3 8। सबसे आसान है, वरना आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कितना आ गया 2 2 3 3 8। एक बार आप लोग वैसे भी मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो कि हाँ यही आ रहा है कि कुछ और आ रहा है। तो चलिए दोनों चेक करा देते हैं। अब कितना 306 को किससे करना 73 से, 3 6 18 1 आया 0 और ये 1 आ जाएगा, फिर 3 3 9 आप खुद भी मिला लीजिएगा 7 6 42 4 आया 0 फिर यही 4 आ जाएगा और 7 3 21 21 और 42 एक 0 इधर आएगा तो 21 42 0 9 1 8। अब सीधा सीधा क्या हो गया ये मल्टीप्लाई करके भी यही आ गया। ये था एक सबसे इजी और सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट।
अब इसी पे क्या करते हैं, अगले नंबर को लेके चलते हैं। अब अगले नंबर को लेके चलने से पहले इसी क्वेश्चन को एक बार हम और करेंगे। इस बार क्या करेंगे कि अब हम एचसीएफ की वैल्यू रख लेते हैं, कितनी दे रखा है, 22 एचसीएफ की 22338। यानी इस बार अब क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को पलट रहे हैं। देखिए क्या करेंगे अब यहाँ पे, इस बार अब यहाँ पे क्या कर देंगे, एलसीएम, तो एलसीएम दे दिया कितना हो गया, 22338 इस बार एलसीएम का फाइंड आउट। और इस बार मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ। अब इस बार क्या फाइंड आउट करेंगे, एचसीएफ। यानी दोनों प्रोसीजर में दोनों चीजें निकाल करके दिखा दे रहे हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, क्वेश्चन सेम वही है, बस केवल एचसीएफ की जगह इस बार एलसीएम दे रखा है, एलसीएम दिया है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। सेम उसी तरह से करेंगे, इस बार एचसीएफ नहीं दिया, एचसीएफ ऐसे रहने देंगे, एलसीएम दे रखा कितना, 22338। फर्स्ट नंबर हमारे पास कितना है, 306। सेकंड नंबर कितना है, 65657। इस बार ये धारा के डिवाइड हो जाएगा, तो एचसीएफ इक्वल टू क्या हो गया, 306 इंटू 657 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 22338। अब आप क्या करेंगे कि आप भाई मल्टीप्लाई या तो डिवाइड करेंगे। देखिए अभी तो मैंने किया था, तो मैंने किया था तो इससे आसानी से पता चल जाएगा कितनी बार में जाएगा। देखिए जब इससे करेंगे हम इसको, तो कितनी बार में डिवाइड होना है। अब आप इसको पहले ध्यान से देखिए, 7 4 28, इसका मतलब है कि 4 के आसपास समथिंग कुछ लेकर के जा रहा होगा। अब अगर डायरेक्टली करना है तो डायरेक्टली में आप क्या करोगे, सीधा सीधा इनको क्या कर दोगे कि टेबल पढ़ करके काट देंगे। लेकिन अगर नहीं कटता है तो सबसे आसान तरीके, देखिए कैसे आप करेंगे, तो हम क्या करते हैं वही प्रोसीजर हम भी अपनाने चल रहे हैं, क्योंकि हम 3 से ही डायरेक्टली करेंगे। तो कैसे हुआ, 3 2 6 फिर 3 1 3 3 9 27 यहाँ पे 3 7 21 1 आया 13 3 4 12 फिर 1 आया 3 4 12 और 3 6 18 फिर क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा 3 7 21 और 0 बढ़ाएंगे नहीं सॉरी 3 7 21 डायरेक्टली 3 3 9 अब यहाँ पे आएंगे कितनी बार में होगा देखते हैं 3 से ही करना है 3 2 6 फिर इधर आए कितना हो गया 14 और 3 4 12 फिर 2 3 8 24 और 3 2 6 अब क्या करेंगे फिर से करते हैं। तो फिर से करने के बाद अब ध्यान से देखिए कि क्या क्रम होगा। तो सबसे आसान सा तरीका है कि 3 से अगर हम करने की कोशिश भी करते हैं, आप देखिएगा 3 8 24 3 2 6 लेकिन अब 22 और यहाँ पे भी नहीं होने वाला। अब क्या करते हैं डायरेक्टली, क्या करते हैं डायरेक्टली टेबल पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो डायरेक्टली टेबल पढ़ने का तरीका कैसे, क्या करेंगे, तो अब टेबल अगर पढ़ते हैं तो टेबल पढ़ने में आप देखिए क्या करोगे कि 3 से हो चुका नहीं हुआ, 3 के बाद 4 से, तो 4 6 24 4 2 8 अब नहीं होना है, फिर 5 से होना नहीं क्योंकि 0 और 5 और 6 से होगा नहीं, जब 3 से नहीं हुआ तो 7 से चलते हैं। अगर 7 से चलते हैं तो 7 में हम क्या देखेंगे कि ना तो इधर की टेबल आ रही है क्योंकि 7 4 28 और यहाँ पे भी 26 और यहाँ पे 7 1 7 नहीं होने वाला। अब क्या करेंगे कि जिससे ये आसानी से हो जाए, तो अब देखते हैं कि कोई और नंबर, तो कोई और नंबर में सबसे आसानी से क्या देखिएगा आप, सबसे पहले तो 2 से ही हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, 2 1 2 2 2 4 2 4 8 2 1 2 और यहाँ पे 2 1 2 2 5 10 2 3 6 हो चुका। अब इसके बाद क्या करेंगे कि कुछ और लेके चलेंगे, हाँ तो कुछ और लेकर के चलने के बाद अब देखेंगे क्या है, क्या देखने को लिए मिल रहा है कि अब अगर देखते हैं 3 5 15 3 1 3 लेकिन इधर 3 4 12 और 3 1 3 नहीं होने वाला। तो अब कुछ ऐसा करते हैं कि कुछ ऐसा नंबर ढूंढते हैं जिससे डायरेक्टली ये क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो डिवाइड होने के लिए कुछ और तरीका ढूंढते हैं, पहले तो कुछ और तरीका ढूंढने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि नहीं है, क्या है, नहीं है। अब अगर हम टेबल पढ़ते हैं तो 17 9 कितना होता है
153 यानी 17 नौनिया 153 होता है। यानी अगर हम इससे इसको डायरेक्टली टेबल पढ़ेंगे तो देख रहे हैं 17 यानी 17 या कितना आ गया 17 यानी 17। अब देखिए 17 वन जा 17, 17 नाइन जा 53 यानी एस सी एफ इक्वल टू कितना आ गया 9। देखिए मैंने तो एक एक स्टेप करके आपको दिखाया कि कैसे आप काट पीट सकते हो। आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, नहीं समझ में आता है, आप क्या करो डायरेक्टली देखिए फिर से एक चीज दिखाते हैं कि 306 रखो आप और क्या था 657 था और डिवाइडेड बाई क्या था 22238। सबसे आसान तरीका आप इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद डायरेक्टली इसे डिवीजन कर देना या तो आप ये कर लो। लेकिन अगर आप डिवीजन भी करोगे भी तो आप देखोगे क्या कि इनको इनके साथ डायरेक्ट टेबल पढ़ने में आप कई बार मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। तो मल्टीप्लाई करने से आसान तरीका मैंने आपको बताया कि आपको दो ही रिश्ते याद रखने हैं। सबसे पहला 3 से आपने काटा, इसी को थोड़ा सा इजी तरीके से समझाते हैं। 3 से काटा 3 2 6 फिर कितना आया 3 1 3 3 9 27 यहाँ पे किया था 3 7 21 इधर आया 3 4 12 फिर इधर आया 3 4 12 और लास्ट में कितना आ गया कितना बच रहा था 1 तो 3 6 18। अब आप क्या करोगे मैंने आपको डायरेक्टली बताया कि आप क्या करोगे 3 से एक बार और करोगे तो 3 से एक बार और आप करने के बाद आप देखोगे क्या हो रहा है 3 2 6 1 आया 3 4 12 उसके बाद 2 बचा 24 3 8 24 3 2 6 यहाँ से 3 7 21 और 3 3 9। अब मैंने क्या कहा कि डायरेक्टली आपको पता है क्योंकि मुझे तो पता था तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप करोगे ठीक। तो अब यहाँ के बाद आपको मैंने क्या कहा था कि आप डायरेक्ट यहाँ पे आना 2 1 2 2 5 10 और 2 3 6 इसका इधर से 2 1 2 2 2 4 2 4 8 और 2 1 2। अब मैंने क्या कहा कि आप इसको और इसको जब लेके चलोगे चाहे आप इससे इसमें डायरेक्टली कर लो या इससे इसमें कर लो तो आप इससे इसमें डायरेक्टली डिवीजन करेंगे आपका बड़ी आसानी से आ जाएगा 17 टाइम पे। अब 17 9 153 यानी 17 9 153 कितना आया 9। अब आप आसानी से कर सकते हैं भाई, या तो अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है कि नहीं हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके आंसर निकालें तो आप ऐसे कर लीजिए, वरना आप क्या करिए 2 से 3 स्टेप लगेगा, फटाफट करिए उसके बाद इजी कैलकुलेशन आ जाएगी, डायरेक्ट डिवाइड कर लीजिए। तो चलिए ये पहला क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया, सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए ये आपको करना है। अगर आप समझदारी से दिमाग लगाएंगे तो फटाफट आसानी से कर लेंगे कि आप कितना आ सकता है और उसी को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। इसके बाद आपको हम एक चीज और सिखाते हैं कि आप आसानी से कर सकते हैं। हाँ, इसी क्वेश्चन को हम करा के दिखाएंगे कि कैसे होगा। तो इसी के लिए हम आपको थोड़ा सा इजी करके देते हैं कि दो नंबर है, क्या है आपके पास, अगला क्वेश्चन जो लेके आ रहे हैं तीसरा, आपके पास दो नंबर्स है, नंबर्स आपको दिए दिया है, आपके पास नंबर है 101 और अगला नहीं पता है, क्या है अगला नहीं पता है, लेकिन वहां से यह भी कह रहा है कि जो इनका एस सी एफ है कितना है, एस सी एफ जो है वो दे रखा है 2, क्या दे रखा है एस सी एफ 2 दे रखा है। और उसके बाद अब एलसीएम आपको देखना, क्या देखना है एलसीएम। अब कह रहा है कि एलसीएम जो है वो भी कितना है 100, यानी ये आपका हो गया एससीएम और ये आपका एलसीएम हो गया। और आपको क्या करना है डायरेक्टली, क्या करना है उस नंबर को पता करना है, सेकंड नंबर को, यानी ये आपका फर्स्ट नंबर है, ये आपका फर्स्ट नंबर है, आपको सेकंड नंबर पता करना है। आपका एससीएम दे रखा 2, एलसीएम दे रखा 100। देखिए सबसे इजी क्वेश्चन है, डायरेक्टली आप पता कर सकते हो बिना सॉल्व किए देख करके भी कितना निकलेगा, लेकिन आपको हम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। आप क्या करोगे एलसीएम इंटू एससीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब आप एलसीएम कितना दिया है 100, एससीएम कितना दिया आपको 2, फर्स्ट नंबर क्या सेकंड नंबर को एक नंबर देगा तो फर्स्ट बोले तो फर्स्ट रख देते कितना है 100। अब सेकंड नंबर आपको पता करना है तो आप आसानी से यहाँ पे देखिए दोनों एक दूसरे में ही सब घुले मिले हैं। अब ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड, यानी यहाँ से आप निकालोगे सेकंड नंबर इक्वल टू क्या मिल रहा है 100 इंटू 2 अपॉन में 100, देखिए कैंसिल हो गया कितना आ गया 2। और यहाँ से भी आप देख सकते थे कि
एचसीएम अगर जो दे रखा है एलसीएम दे रखा है 100 और पहला नंबर भी 100 दे रखा है तो दूसरा नंबर क्या होगा। जाहिर सी बात है मैंने आपको बताया भी है कि अगर दो नंबर्स दिए हो उनका एचसीएफ जो हो सकता है सबसे छोटा वाला नंबर या उससे छोटा होता है। तो चलिए अगर एचसीएफ दे रखा है यानी कहने मतलब जो हमारा अगला नंबर निकलेगा दो निकलेगा या उससे एबव निकलेगा उससे कम तो निकल नहीं सकता। एलसीएम में आते हैं एलसीएम मैंने क्या बताया था कि सबसे बड़ा वाला नंबर या उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एलसीएम मुझे 100 दे रखा है एक नंबर 100 दिया है यानी हाईएस्ट नंबर दे रखा है एचसीएफ तो इसका मतलब क्या है कि अगर एचसीएफ 100 के नीचे आया क्या है 100 के नीचे और एलसीएम 100 आ गया इसका मतलब अगला नंबर जाहिर सी बात है कि इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। क्या हो गया इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता किसी भी कीमत पे। अब तो अब जब इससे ज्यादा अगला नंबर हो ही नहीं सकता है तो इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसा क्रम होगा जो इन दोनों के ही नियरेस्ट होंगे क्योंकि कॉमन भी चाहिए। अब कॉमन में क्या चाहिए क्योंकि कोई और नंबर ऐसा है जिनमें कॉमन आ सकता है तो कॉमन कोई और नंबर बन भी नहीं रहा है तो डायरेक्टली आप देखोगे तो ये मिल भी गया कि टू ही मिला हुआ है इसलिए लेकिन आप सॉल्व करके निकाल सकते हो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं करेंगे खाली वहां पे आपको एक चीज ये बताएंगे कि जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन दो या तीन भैया ध्यान से इधर देखो उधर उधर मत देखो ठीक है ना 16, 17, 18 मत करना। तो मैंने क्या कहा चलो 16, 17, 18 आपने दिया यही नंबर ले लेते हैं 16, 17 और 18 कह रहा है कि प्राइम फैक्टोरिजन मेथड से क्या कह रहा प्राइम फैक्टोरिजन मेथड से तो आप 16 का देखिए आप करोगे तो डायरेक्टली आप खुद ही देखोगे 2 × 2 × 2 लेकिन आप 17 का करते हो तो आप क्या देखोगे कि आपको मिलेगा ओनली 1 × 17 यानी यहां से 1 भी आ गया। अब अगर आप 18 का करते हो तो आपको मिलेगा 1 × 2 × 3 × 3 कह रहा प्राइम फैक्टोरियल मेथड से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है या कभी कभी केवल एचसीएफ पूछता है। तो हमने क्या कहा कि एचसीएफ यानी मासा महत्तम समापवर्तक निकालना है तो एचसीएफ में पढ़ाते चले हैं केवल जो कॉमन होगा तो आप देखोगे केवल और केवल 1 है क्या है 1 इसके साथ कुछ मैच ही नहीं कर रहा। लेकिन अगर एलसीएम की बात करते हैं एलसीएम में भैया 1 को छोड़ करके बाकी ऐसा कुछ है नहीं जो सब में मैच कर रहा है केवल और केवल 1 2 है तो आप क्या करो 1 × 2 कर ले। अब जितने बच रहे हैं 2 × 1 = 3 यानी कितनी बार 3 × 2 हो गया और क्या है 2 × 3। अब इन्हीं को आप गुणा कर देना जो भी आएगा यही आपका क्या हो जाएगा अच्छा सॉरी 17 भी बचा हुआ जो भी आएगा यही आपका क्या हो गया एलसीएम। इस तरह से आपको किसी भी नंबर में अगर देखिएगा एलसीएम और एचसीएफ दिए हो या एचसीएफ दिया हो और 2 नंबर दिए हो तो जो अभी मैंने बताया पीछे पार्ट कि अगर एलसीएम इंटू एचसीएफ का जो फंडा है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर का जो ये फंडा है ये तभी अप्लाई होगा जब 2 नंबर के लिए हो। कितने के लिए केवल 2 नंबर के लिए ये अप्लाई होगा। ये भी नहीं कि 3 नंबर 4 नंबर दे दिए हैं और उसमें से एचसीएफ दे दिया और आपसे पूछा जाए एलसीएम क्या होगा तो ये फंडा आप नहीं लगाओगे। तब आप क्या करोगे डायरेक्टली निकालोगे इस मेथड से। जैसे मैंने क्या कहा कि बहुत सारे नंबर दिए 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर कितने भी दिए हैं तब आप ये नहीं लगाओगे ये तब तक लगाओगे जब केवल 2 नंबर्स दिए हो 2 नंबर्स में से एलसीएम दिया है एचसीएफ निकालना या एचसीएफ दिया है या एलसीएम निकालना या फिर एचसीएफ और एलसीएम दोनों दिए हैं और कोई एक नंबर दिया अगला नंबर निकालना। एक ट्रिक और आपको सिखाने वाले हैं कि एचसीएफ भी दिया है एलसीएम भी दिया है और कह रहा है कि दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट निकालो तो देखिए यहीं से निकालेंगे बहुत ही इजी तरीके से। तो यहाँ पे हम आपको समझा रहे थे कि भैया क्या था कॉमन कॉमन केवल 1 था ये तो हो गया एचसीएफ एलसीएम सबको जो बचा गुणा करके लिख दिया। अब यहाँ पे आते हैं कह रहा है कि क्वेश्चन जैसे मिल गया आपको कि जो भी 2 नंबर्स है उनका एचसीएफ कितना दे रखा है 9 कितना दे रखा है एचसीएफ 9 और कह रहा है एलसीएम जो है उनका क्या है एलसीएम जो उनका दे रखा है वो दे रखा है 36 कितना दे रखा है 36 यानी 36 ये इनका एलसीएम दे रखा है। देखिए ये है एचसीएफ
और ये क्या है एलसीएम, यानी ये मासा है और ये लासा दिया हुआ है दो नंबर्स का, कह रहा है कि दो नंबर्स में से जो है उनका एचसीएफ और एचसीएम दिए हुए हैं, गिवन है, और मुझे क्या पता करना दोनों का प्रोडक्ट यानी गुणनफल। तो उसके लिए आप डायरेक्टली फॉर्मूला इसी को अप्लाई कर दोगे, बस इसमें कर क्या दोगे आप, इसमें आप कर दोगे कि आप इसमें ये कर दोगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी दो संख्याओं का गुणनफल। एलसीएम कितना हो गया 36 है, तो ये एलसीएम कितना हो गया 36, एचसीएफ कितना 9, और यहाँ पे क्या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब 36 और इंटू 9 कर देना जो भी आएगा सीधा आंसर, मल्टीप्लाई करना 9 6 54 5 आया, 9 3 27 में 5 ऐड कर देंगे 32 3 24 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ध्यान रखना अगर एचसीएफ और एलसीएम दिए हों और नंबर्स में केवल भी प्रोडक्ट ऑफ नंबर ही निकलेगा, कभी आप अलग अलग नंबर नहीं निकाल सकते हो। कभी कभी होता है कंपटीशन के क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दे देता है, तो वहां से एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर ऑप्शन है ये नन ऑफ दीज तो वहां पे प्रोडक्ट निकलेगा लेकिन नंबर नहीं निकल सकता है। नंबर तभी निकलेगा जब एचसीएफ दिया हो एलसीएम दिया हो कोई एक नंबर, और दोनों नंबर दिए हैं तो एचसीएफ दिया तो एलसीएम निकलेगा, एलसीएफ दिया तो एचसीएफ निकलेगा। प्राइम फैक्टोरिजन बता दिया, प्राइम फैक्टोरिजन से तो रिलेटेड क्वेश्चन मैंने पहले की वीडियो में कराए हैं। आज मैंने आपको एक टॉपिक क्लियर कर दिया कि एचसीएफ कैसे फाइंड आउट होगा, एलसीएम कैसे फाइंड आउट होगा, अगर नंबर दिया हो तो नंबर कैसे फाइंड आउट होगा। अब यहाँ से देखिए एचसीएफ एलसीएम दिया प्रोडक्ट निकल गया, अगर कोई एक नंबर अभी जैसे दिया हो अगला नंबर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको एक एक कॉन्सेप्ट से क्या करने हैं ध्यान में रखने हैं, और एक एक कॉन्सेप्ट को जब आप ध्यान में रखेंगे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे आप जो है कंपटीशन में किसी भी लेवल पे एग्जाम दे रहे हो या छोटे बच्चों को अगर आप इसे पढ़ा भी रहे हो, जैसे बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, कुछ लोग ट्यूटर भी होते हैं छोटी क्लासों के, कभी कभी उनको बड़े बच्चों का मिल जाता है। तो आप अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आपको क्या करना है कि एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, और जैसे क्वेश्चन जाता है बस आप तुरंत ये ध्यान लगाइए कि यहाँ इस पे कौन सा फंडा अप्लाई होगा, और फंडा ध्यान में तभी आएगा जब आपका फोकस वीडियो पे होगा, एक चीज समझने पे होगा, और ऐसा भी नहीं कि आप देख इधर रहे लेकिन ध्यान कहीं और भटका रखे हैं। तो आज की क्लास कैसी रही आप मुझे कमेंट करके बताएं, वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा आपको हो सके आपको क्या करना है लिंक को लोगों को शेयर करना है, और दोस्तों को जानने वालों को यही मैसेज देना है कि भाई बहन दोस्त यार जो भी हो आप इस प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, यहाँ से आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखने को मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।